Good morning, students. How are you all? I hope you are having excellent health. Today we are going to start our revision. So we will start our revision from first unit. In Alga 3, first unit that we have is neighborhood and community. In this we will learn about the phonic sounds. हमने क्लास में भी अपने फोनिक साउंड सबने लर्न करे थे, दैट इज ए की जो साउंड थी अ बी ब, तो ये सारे साउंड्स आपको लर्न करने होंगे अच्छे से. आपको साउंड्स आने चाहिए, आपको फिर से दोबारा से एक बार इनको लर्न करना होगा. ओके, आई विल जस्ट रिमाइंड यू वन ए अ. A for X, A for ankle, A for arrow, A for amp. So these are all the beginning sounds from A to Z. Okay, students. After this, we have read one story, that is Shopping Time. In this, I have told you about the author. इसमें author के बारे में बताया गया था. कौन थे author इसमें? Yes, Komal Ramchandani. She is the author of this book. Author कौन होते हैं? जो बुक को लिखते हैं. Yes. And the title of this book is, title क्या है इस बुक का, इस स्टोरी की? Shopping Time. क्या है title? Shopping Time. Yes. Rahul and Rani go shopping. Rahul और Rani shopping के लिए जाते हैं. They go to the card shop. They get a card. और वहां पे वो card shop पे जाते हैं और एक कार्ड लेते हैं. दे गो टू द बैलून शॉप, दे गेट सम बैलून्स. और वहां से वो फिर उसके बाद वो बैलून शॉप पे जाते हैं, वहां से वो बैलून्स लेते हैं. दे गो टू द बेकरी, दे गेट अ केक. उसके बाद वो बेकरी पे जाते हैं और वहां से केक लेते हैं. दे गो टू द टॉय शॉप, दे गेट टू टॉयज. वहां टॉय शॉप के पर जाते हैं और वहां से टू टॉयज लेते हैं. व्हाट आर दे शॉपिंग फॉर, कैन यू गेस? अब वो शॉपिंग क्यों कर रहे हो, क्या आप सब गेस कर सकते हो? यस, मे बी देयर इज अ बर्थडे. बर्थडे है इसलिए वो शॉपिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने वोकैबुलरी वर्ड्स कौन कौन से न्यू यूज हुए हैं. वोकैबुलरी वर्ड्स मतलब न्यू वर्ड्स. शॉपिंग, शॉपिंग मतलब जहां से हम जाकर सामान लेकर आते हैं मार्केट में से. कार्ड, कार्ड सबको पता है, सबने कार्ड्स बनाए थे मदर्स डे पर भी, तो कार्ड सबको मालूम है. शॉप, शॉप सबको मालूम है जहां से आप मटेरियल लेकर आते हो, परचेज करते हो चीजें. बेकरी सबको पता है, जहां पर केक, यम्मी यम्मी केक मिलता है. बैलून्स सबको मालूम है कौन कैसे होते हैं. टॉयज सबके पास है ना, सब खेलते हैं टॉयज से. तो दीज ऑल आर आर वोकैबुलरी वर्ड्स. आफ्टर दैट वी हैव कंसेप्ट टाइम. कंसेप्ट टाइम है जिसमें टाइटल हमारा क्या है, नेम ऑफ द बुक और स्टोरी. टाइटल क्या होता है, जो नेम ऑफ द बुक होता है या फिर स्टोरी होती है. द लायन, द विच एंड द वार्डरोब इज द टाइटल. ऑथर कौन सा है, कौन है इसका? सी एस लुइस. ऑथर कौन होते हैं? द पर्सन हु हैज रिटन द बुक और स्टोरी, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑथर. और इस बुक का ऑथर कौन है? सी एस लुइस. ओके, कैरेक्टर. अ कैरेक्टर इज अ पर्सन और एन एनिमल इन अ स्टोरी. कैरेक्टर एक पर्सन भी हो सकता है और एक एनिमल भी हो सकता है स्टोरी में. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टोरी शॉपिंग टाइम, राहुल एंड रानी आर द कैरेक्टर्स. जो अभी हमने शॉपिंग टाइम एक स्टोरी रीड करी थी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे? राहुल और रानी, जो शॉपिंग के लिए गए हुए थे. तो वो कौन से क्या हो गए? हमारे कैरेक्टर्स. ओके, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अ नेमिंग वर्ड names a person, a place, an animal or a thing. Naming words वो हैं जो एक person का name हो या फिर place का name हो या कोई animal का name हो या फिर कोई thing का name है. Person मतलब जैसे कि मेरा नाम आरिफा है तो मैं person. ऐसे जैसे shopping time में रानी, तो वो क्या हो गया? Name of a person. तो ये हमारा क्या हो गया? Naming words. Shop, name of a place. Shop एक place का नाम है. तो फिर याक, नेम ऑफ एन एनिमल. ये एक एनिमल का नेम है तो ये भी हमारा नेमिंग वर्ड हो गया. बैलून्स, नेम ऑफ थिंग्स.
एक थिंग का नाम है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड्स हो गए। सो सबको पता चल गया नेमिंग वर्ड्स। फोनिक साउंड सबको मालूम है कौन से होते हैं, जो हमारे बिगनिंग साउंड्स हैं वहाँ उन्हें हम फोनिक साउंड्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी शॉपिंग टाइम, और शॉपिंग टाइम में हमने क्या बताया, ऑथर क्या होता है, टाइटल क्या होते हैं, और हमारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। सबको मालूम हो गया कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, वोकेबली वर्ड्स। वोकेबली वर्ड्स कौन से, जो न्यू वर्ड्स हैं हमारे लिए, हम जैसे कि शॉपिंग, बैलून्स, टॉयज, और कौन से वर्ड्स थे, यस और कौन से वर्ड्स थे हमारे, बेकरी, शॉप, तो ये सब हमारे वोकेबली वर्ड्स हो गए। होल वर्ड्स कौन से होते हैं, होल वर्ड्स वो होते हैं जो हम एक लाइन में बोलते हैं, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, जैसे कि व्हाट, व्हाट, हम उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, एक वर्ड एक प्योरली हम एक बार में बोल देते हैं व्हाट, तो ये हमारा होल वर्ड हो गया। स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कशीट एंड कंप्लीट योर ऑल क्विजेस। थैंक यू।